पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल मुरादाबाद की ओर से नवरात्रि पर्व पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्ति परिवार नवमी पर्व को भव्य रूप में मनाने जा रहा है। महानवमी भंडारे का आयोजन कर इस दिन को विशेष बनाने की तैयारी है। 28वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में विशेष अनुष्ठान कर माँ भगवती की उपासना की जाएगी। इस अनुष्ठान में दिल्ली से कल्याणी दरबार के द्वारा भजन संकीर्तन किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता और अल्पना गुप्ता के साथ महापौर विनोद अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, हेमा रस्तोगी, राजीव रस्तोगी, श्वेता प्रकाश और रचित प्रकाश तथा डॉक्टर बबीता गुप्ता और सुनीता कोठीवाल, सनत कोठीवाल संयुक्त रूप से उपस्थित रहेंगे। नवमी में एक भंडारे का आयोजन तो होता ही है। पहले तो मैं ये बता दूं कि अब तो बड़े बड़े ग्राउंड में लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हम लोग 28 वर्षों से इसी रोड पर, इसी जगह पर माँ भगवती को बिठा के उनका श्रृंगार करके कार्यक्रम आयोजन करते हैं। उसमें महाआरती का आयोजन करा जाता है। महाआरती में यहाँ के मेयर माननीय विनोद अग्रवाल जी, उनके पुत्र वधु प्रिया को और हमारे विधायक जी रितेश गुप्ता जी हैं, उनकी धर्मपत्नी अल्पना जी हैं और भी यहाँ के जो भी अच्छे उसमें आते हैं, जैसे ज्वेलर्स आते हैं, बड़े एक्सपोर्टर आते हैं, उन लोगों को भी हम बुलाते हैं और माँ भगवती की आरती उनके द्वारा कराई जाती है। इधर भंडारा चलता रहता है और आरती का अनुष्ठान बहुत अच्छा दर्शनीय है। इस कार्यक्रम को करवाने के लिए दिल्ली कल्याणी दरबार से हम भक्तों को बुलाते हैं। वहाँ की सिंगर आती हैं, उनके द्वारा भजन होता है और वो भक्त भी दिल्ली से आके बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसमें स्पेशल 8 बजे महाआरती करने के उपरांत हम 10 बजे राम जी का भी अनुष्ठान करते हैं। उसमें राम जी की आरती के साथ साथ भजन और भी जो भी उत्साह होते हैं भक्तों में वो कराए जाते हैं। स्पेशल हमारे वहाँ शारदीय नवरात्रि है तो इसमें डांडिया का उत्सव स्पेशल होता है, डांडिया उत्सव कराया जाता है। क्या आप भी करना चाहेंगे भक्तों से, क्या श्रद्धा? अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। भक्त इतने आनंदित होकर यहाँ आते हैं, मैं तो कहती हूँ वही संस्कार वो लोग अपने बच्चों में भी डालें और जो अनुष्ठान चल रहा है इसको निरंतर चलते रहना चाहिए। आज हम हैं कल नहीं है, तो वो बच्चे भी इस चीज़ को हमेशा निभाते रहें, ऐसा मैं सभी से अपील करूँगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।